जूस वाले भैया कब आएगा जूस? आधे घंटे से जूस निकाल रहे हो तुम। लगेगा टाइम, ये देख तीन का इतना होगा। वेलकम टू आवर चैनल। तो अभी बजे हैं सुबह के 8 और मैं नहा चुकी हूँ, करण भी नहा चुका है और हम आप सोच सकते हैं कि मैंने तिलक लगा रखा है क्योंकि मैंने पूजा कर ली है। हेलो गाइस और वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज ट्यूसडे है, हम आपके सामने पूरे धार्मिक अवतार में आए हैं तिलक लगा के, क्योंकि आज अंजलि का फास्ट है इसलिए मखाने बने हैं। मेरा फास्ट है, ट्यूसडे को मेरा फास्ट होता है बाय द वे, तो उस दिन मखाने बनते हैं, सारा सात्विक खाना बनता है। हाँ, मतलब ब्रेकफास्ट में मखाने है, लंच में मखाने है, डिनर में भी मखाने है। ये बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है अभी, बहुत मैं पूरे दिन का प्रोसेस दिखाऊंगी, ठीक है, क्या चल रहा है आपको। हाँ, अभी तो मखाने से शुरुआत करते हैं, चाय में बना रहा है। मुझे लगता है हम हमारे ब्लॉग चाय नाश्ते से ही शुरू करेंगे। और आई गेस बहुत गर्मी है फिर से, कब होगी बारिश यहाँ पर, कब होगी बारिश? थोड़ा इस पे ध्यान दे, चाय उबल जाएगी, गिर जाएगी यहाँ पे। चाय तूने गिराई ना, ये एक घर से ऐसे बाहर निकाल दूंगी 2 सेकंड के अंदर अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, देखिए वो सिर्फ मखाने नहीं खाता है, वो इतना बड़ा लायर है ना, मैं दिखाती हूँ उसकी प्लेट में क्या क्या ठूसा हुआ इसने, देखो। बच क्या है, तू जूम करके अंदर घुस जाएगी। अब बता कितना झूठ बोला था तुम। ये नहीं नहीं नहीं, तू सिर्फ ये ट्यूसडे को ही सूखा नाश्ता खाता है, अदरवाइज इसको सुबह डेली उपमा पोहा भाकरी हांडवा ये सब खाने को मिलता है। अब बोल जरा, सच बोल। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मखाने में खा रहा था पर थोड़ा मजा नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी चटपटी चीजें भी ले ली साथ में। और मेरी प्लेट देखो, मैं कितनी सात्विक हूँ, देखो सात्विक। अब तो इसका बदला लेगी ना कल परसों पिज्जा खा के फिर। तो अभी बज रहे 3:30 और अंजलि 12:30 से अंदर गई है। मुझे बोल रही थी कि हम लोग 2 बजे मैं बाहर आऊँगी, मेरा कॉल्स ख़त्म होंगे तो हम लोग साथ में लंच करेंगे और वो मखाने खाएंगे और मैं मैगी बना के खा लूँगा। वो 1.5 घंटे पहले की बात है, 2 बजे मैंने मैगी खा भी ली और वो अभी तक बाहर नहीं आई। आई एम प्रिटी श्योर कि वो अंदर सोई गई होगी। लेट्स चेक आउट। साढ़े 3 बज गए, अभी भी वो कॉल पे लगी हुई है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं वापस पे अपने काम पे लगता हूँ और आप सबको मिलते हैं हम दोनों और 4:30-5 बजे के आसपास चाय पे। 3 hours later. तो अभी बज रहे हैं 5:30 और जैसे कि आपको पता है कि मेरा फास्ट है तो मुझे भूख लग रही थी, तो देखिए करण क्या बना रहा है मेरे लिए। हेलो गाइस, जूस पी लो 10 रुपये। मैंने सोचा कि चाय पीता है, मैंने उसे बोला भाई नहीं चाय नहीं पीनी है, उसको जूस पीना है, तो अभी जूस बना रहा हूँ, देखते हैं। बड़ी मेहनत का काम है ये और मैं आया था देखने के लिए, पर तू 3 घंटे से मुझे लगा शायद अंदर तू सो गई होगी, मैं देखने भी आया था। और भैया कितने रुपए का दे रहे हैं? 20 रुपए। 5 रुपए दें आपको हम। 20 रुपए शकल देखिए आपने अपनी। 5 रुपए में तो आपको ये मिलेगा, देखो यहाँ पे आप क्या दिखाना चाहते हैं। 5 रुपए में आपको ये मिलेगा खाना, ये जो निकल रहा है ना मुंह में, दो 5 रुपए में। बड़े रूड भैया हैं आप तो। चलेगा ठीक है, दबा हो जाएगा आपका धंधा नहीं चलने वाला ऐसे। जूस वाले भैया कब आएगा जूस? आधे घंटे से जूस निकाल रहे हो तुम। लगेगा टाइम, ये देख तीन का इतना होगा, ये ले पी ले। तो जैसे कि मैंने इसको पहले ही कहा था संतरे 4 है, मुझे बड़े आराम से कल कह रहा था कि 2 गिलास तो निकल जाएगा दूध 2 गिलास तो निकल जाएगा जूस। पता चल रहा है लोगों को, जान बोल के व्लॉगिंग कर रही है। सिनेमैटिक शॉट्स लेते हुए। कौन से सिनेमैटिक? बहुत ज्यादा सिनेमैटिक शॉट्स देखिए, कला 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 देखिए कला। इतना एडवांस मिक्सचर ग्राइंडर कहीं मिलेगा आपको? नहीं मुझे ला। क्या बहुत मस्त है। नहीं पहले क्या बोला था, क्या जूस निकालो भैया जी क्या? बताओ बताओ
हरकत दिखा अपनी थोड़ी ब्लॉग में, क्यों वरना ब्लॉग देखना छोड़ देंगे तो। वैसे भी 50 लोग ही देख वो 50 लोग भी देखना छोड़ देंगे बेटा। अच्छा ऐसा है? थोड़ा थोड़ा तो शराफत दिखानी पड़ती है ना ब्लॉग में, हर चीज नहीं दिखा सकते ना, फिर सब तो पहचान जाएगी। बट ये मौसमी है, दे दे यहाँ दे दे, इसमें डाल दे, डाल दे डाल दे इसमें। एंट्री हो चुकी है हमारे डेली ब्लॉग्स में। आशु आया है हमें पिक करने के लिए और हम लोग जा रहे हैं फाइनली हमारी हॉटेस्ट प्लेस पे जहाँ पे हम हैंग आउट करते हैं। हमारे जीवन में कुछ नहीं है शंभूस के सिवा। आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो शंभूस आप जा सकते हो। तो हम लोग अभी जा रहे हैं शंभूस चाय पीने के लिए। अभी बज रहे 7:15, खुला रहता है ना शंभूस? तो अभी शंभू कोरोना फ्री जोन है। हाँ वो तो है, वहाँ तो ऐसे ही लोग आते हैं, पर अभी खुला होगा ना, मिलेगा ना 9 बजे? yes. खुला है ना। हाँ तो अभी चलते हैं शंभूस चाय पीते, काफी दिनों के बाद जा रहे हैं शंभूस। तो यहाँ पे वो स्पाइडरमैन की तरह क्यों चिपके सीट पे? यार मैं ना पीछे ना मैं आगे बैठने की आदत है ना, वो सीट बेल्ट ढूंढ रही थी मैं। ऐसा लगा विक्रम बेताल की तरह उसके मेरे ऊपर मत चढ़ जाना। अरे मरेगी तो साइड में गाड़ी जा रही, पता लगे घुमा दिया। ऐसा कुछ कर तो बताना मुझे, नहीं, नहीं, दिखाना। सुन सुन अगर तू ठोकने की प्लान है तो मुझे बताना, थंबनेल लेनी है हमें। शट अप, नहीं एक दिन तू आश्रम में झगड़े कवर करना। आश्रम कैसे झगड़े करते थे? तेरी औकात है, तेरी क्या औकात है, हम ऐसे झगड़े किया करते थे पहले जब हम शादी से पहले। अरे आज मम्मी वो फैमिली मैन देख रही थी, मम्मी को फैमिली मैन में समझ क्या आ रहा है? अरे मम्मी फैमिली मैन ऐसे देख रही जैसे क्राइम पेट्रोल देख रही है। एक बार तो मैं जाके आया उधर गोलियां चल रही है ऐसे में क्राइम पेट्रोल देख रही हूँ क्या? और उसका सीन भी कुछ ऐसा ही है क्राइम पेट्रोल जैसा ही है। लेकिन उसमें हाँ भाई तू निकल जा। अरे रहने दे नाश यार को फिर। हाँ रन्नू कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मैं कभी नाइट ड्रेस में बाहर निकलूंगी, बट मैं अभी नाइट ड्रेस में बाहर हूँ। बहुत ज्यादा धूल। तो नाइट ड्रेस में बाहर ही निकली थी? नहीं नाइट ड्रेस में बाहर निकली, पर मुझे नहीं पता था तू मुझे शंभूस लेके आ रहा है ना। वो तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं शंभूस आ रहा हूँ। और अभी तो ट्रैफिक देख के ऐसा लग रहा है कि काफी नॉर्मल हो चुका है। कोरोना है ही नहीं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। और हम लोग प्लान कर रहे हैं सैटरडे का एक अच्छी जगह पे ट्रिप, नजदीक ही है अहमदाबाद से, गांधीनगर। हमारी किस्मत में गुजरात ही लिखा है। हाँ तो एक अच्छी प्लेस हमने कवर कर रखी है पहले, पर वीडियो नहीं बनाया था, बट इस टाइम वी आर प्लानिंग टू शूट अ वीडियो देयर। और कल जो सरप्राइज आने वाला है, और कल एक सरप्राइज आपके लिए जो आपको वेडनेसडे मतलब थर्सडे को आपको पता चलेगा, एक हमारा हमारे लिए सरप्राइज सेटअप में एक बड़ी चीज हम ऐड करने वाले हैं, डेफिनेटली पता चलेगा परसों, क्योंकि वो कल आ रही है। काश उसका कुछ यूजेज हो जाए, जैसे तेरे मट्टी का तो हुआ नहीं, मट्टी वो आने के बाद कम से कम 200 व्यूज आने। ऐसा तो क्या रहा है, मेरे को भी इंटरेस्ट जग रहा है। नहीं अच्छी चीज आ रही है, मस्त है। कल तो आना घर पे बताएंगे तुझे। कल मैं पनीर। ओह अच्छा, ओके ओके इंटरेस्टिंग। आई नो हमारे पास थंबनेल भी है। मुझे लोगों से पहले पता चल गया, ये ऑल योर 100 व्यूअर्स को से पहले मुझे थोड़ा पता लग गया। 75 मैच दी, 3-4 बार मैच दे। आशु तुझे हमारे ब्लॉग में आके कैसा लग रहा है आज? आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड। ठीक है तुझे कैसा लग रहा है करण? उसके टकले पे लाइट कितनी मस्त पड़ रही है ना। हाँ आशु कुछ बोल, आप तो बाल आ गए जैसी पिंक मैन जैसा लग रहा है, हमारे ब्रेकिंग बैड जैसा। सो गाइस फाइनली आ गए हम लोग घर पे, अभी बज रहे 8:30। तो अभी डिनर की प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। अंजलि तो कुछ खाएगी नहीं, मैं दिख रहा हूँ शायद बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूँ, मुझे थोड़ी भूख लगी है। तो आज का हम लोग यही प्लान करते हैं। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो कल वाला व्लॉग लाए हो उसके सबसे पहले अपडेट मिले। और कल के व्लॉग में आप सबके लिए सरप्राइज है, तो कल का व्लॉग आप जरूर देखना। विल सी यू गाइस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।